अमृतसर की कचहरी विखे एक दुकान उत्ते 50 रुपए का अष्टाम 300 विच वेचण दा मामला सामने आया है, जिस विच एक अनअधिकारित व्यक्ति वल्लों लोकां नूं अष्टाम ब्लैक कीते जा रहे सन, जिस दे चलदिआं जनता दे भड़कण उत्ते मीडिया दे पहुंचण ते इह मामला उच्च अधिकारियां दे ध्यान विच लिआंदा गिआ। अष्टाम चाहिए, मैं बच्चे सीबीआई बोर्ड में नवी एडमिशन कराई है अपने बच्चे की स्कूल च, उन्होंने मंगया मेरे तो इतने भी तुम्हें रहायशी का सर्टिफिकेट दो, मैं लिया के लिखा के लेके दो भी मैं इतने रह रहा जनवरी महीने तो आया, मैंने कितों भी अष्टाम नहीं मिलया, मैंने 90 नंबर तो अष्टाम मिले जो 50 रुपए का अष्टाम, मैंने कहा 300 का, मैं मजबूरी 300 रुपया दे के बाद रिपोर्ट की आ। हूँ तुम की कार्रवाई करवा रहे हो? न्याय मिलना चाहिए। कंप्लेन की? हाँ जी। ब्लैक मैं क्या अच्छा ठीक है, मैं क्या चलो दे दो, मैंने जारी बहुत जारी जरूरत हैगी उस टाइम, मैं इन्होंने 500 रुपया देता, 200 रुपया इन्होंने को ले लिया, मैं उस टाइम तो इन्होंने नाम वगैरह लिखा अपने फादर से नेम मैं लिखाया, तो इन्होंने मैं उदो नाल ही DRR साहब आ गए ने पिछों, तो मैं उस टाइम नहीं मिले गा, मेरा पैसे भी रखे ठीक है ना, मैं उस टाइम मिले तो ना ही मेरा कोई पैसे मिले। बारे लिखती शिकायत दी सीनियर अधिकारी? नहीं, मैं लिखती दे नहीं दिती, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी ये सब रौला रपा हो ना, मुझे इन्नी हाँ जी, पर जो भी है ये बयान इन्हों दे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आ। ठीक है जी। इस घटना की जानकारी मिलदिया मौके उत्ते पहुंचे माल खजाना अधिकारी मुकेश कुमार वल्लों तफ्तीश विच ए पाया गया कि ए अनअधिकारित व्यक्ति वल्लों अष्टाम ब्लैक विच वेचे जा रहे सन, जिस दा रिकॉर्ड चेक कर उन्हां डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दे ध्यान विच ए मामला लियाउण दी गल आखी। मुकेश कुमार जिला माल अफसर अमृतसर, साढ़े पिछले हफ्ते तीन चार अपने तकरीबन 6-7 तरीक तो साढ़े ध्यान आ रहा है कि इतने कुछ स्टाम्प रोज अपने छोटे स्टाम्पां की ब्लैक करते हैं, तो जिस करके आम जनता स्टाम्प लैण दे विच बहुत दिक्कत हो रही सी, तो अज मेरे को दो व्यक्ति सामने आए, उन्होंने मैनू दस्या कि उन्होंने अजे स्टाम्प खरीदे ने, तो अपने 300 जिन्हों ने 50 रुपए का स्टाम्प 300 का दिता गया, तो वो जो मेरे सामने ये इशू आया उस टाइम आया कि इन्हों की इस दुकान से चैकिंग की आ, तो इन्हों के रिकॉर्ड चेक करने तो पाया गया कि वो भी बहुत खामिया ने, अनऑथोराइज परसन इस दुकान पर बैठ के स्टाम्प बेच रहे हैं। लाइसेंस दीप शर्मा के नाम से है, तो जो अस्टाम के पिछे भी यह पा रही है, इतने एक लड़की गैर कानूनी तरीके बैठ के अस्टाम बेच रही, तो ये जे सामने है ये पैसे कलैक्ट कर रहे थे, मैनू नहीं पता इन्हों का की नाम है की नहीं। ठीक है, कंप्लेट यह मिली सी भी छोटे जे अस्टाम ने 50 रुपये का अस्टाम सू 300 रुपये का मिल रहा, हुण जिहड़ा हैगा मैं इहदी रिपोर्ट तुरंत मानजोग DC साहब नूं भेज रहे हैं बना के, तो इहदे ते इहदा इमीडिएटली जो भी एक्शन साडा एज पर रूल बनता है मानजोग DC साहब ने वल्लों कार्रवाई की हुकम दिते जाने आ। किन्ने दा स्टाम्प ते किन्ने दा वेच सकदे आ जी? ये 50 रुपये का स्टाम्प, ये 50 रुपये का स्टाम्प आ, 50 दा ही वेच सकदे सी, 300 रुपये ते। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर, पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही, कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज, हर आमो खास ते हकूमत नु भी करांगे सवाल जवाब, आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल, अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।